संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट असेंबली की शुरुआत 11 मार्च को केन्या के नैरोबी में एक वेकअप कॉल के साथ हुई। इसमें कहा गया है कि 2020 तक रसायनों और कचरों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के वैश्विक लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा। सम्मेलन में जारी की गई सेकेंड ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में रासायनिक उत्पादन 2030 तक दोगुना हो जाएगा। रासायनिक उद्योग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विनिर्माण क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक जायस मसूया कहते हैं, जो बात सबसे अधिक स्पष्ट है वो ये है कि हम साथ मिलकर बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वर्तमान में हमारी कुल वैश्विक रासायनिक उत्पादन क्षमता 2 अरब 30 करोड़ टन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2016 में रसायनों से संबंधित बीमारियों के कारण 16 लाख लोगों की जानें गई थीं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यह समस्या को कम कर आंकना होगा। पहला ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक GCO1 2013 में जारी किया गया था। तब से अब तक रासायनिक उपयोग में वृद्धि ही हुई है, जबकि आवश्यकता इसमें कटौती किए जाने की थी। 2015 में दुनिया ने सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया। इनके 17 विकास लक्ष्यों में रसायन और उनके अपशिष्ट प्रबंधन भी हैं। SDG के लक्ष्य 12.4 के अनुसार 2020 तक रसायनों एवं अपशिष्टों का प्रबंधन उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वैश्विक समझौतों के अनुरूप किया जाएगा। इसके अलावा हवा, पानी एवं मिट्टी में रासायनिक उत्सर्जन कम से कम हो, ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन द्वारा 2018 में एक आकलन किया गया। उस आकलन के अनुसार पूरी दुनिया में व्यावसायिक रूप से उपयोग किए जा रहे रसायनों की संख्या 40,000 से 60,000 है। इसके अलावा कुल रासायनिक घनत्व का 99% केवल 6,000 रसायनों से मिलकर आता है। वैश्विक स्तर पर उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में हुए समझौतों और पहले से की गई कई महत्वपूर्ण कार्रवाई के बावजूद वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है कि रासायनों और कचरों के सही प्रबंधन की दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हो पाई है। उदाहरण के लिए 2018 तक 120 से अधिक देशों ने ग्लोबली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेवलिंग ऑफ केमिकल्स को नहीं अपनाया था। यह रिपोर्ट रसायन के उपयोग से पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपजे सामान्य खतरों को सामने लाती है, लेकिन यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि विकासशील राष्ट्रों में रसायनों का उपयोग अब बढ़ रहा है। इन राष्ट्रों में विनियमन और निगरानी के मानक पहले से ही काफी कमजोर हैं। ये विकासशील देश रसायनों के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं के रूप में उभर रहे हैं। रिपोर्ट कहती है, रासायनिक उत्पादन और खपत उभरती अर्थव्यवस्थाएं विशेष रूप से चीन में स्थानांतरित हो रही हैं। अनुमानों के अनुसार 2030 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र यानी एशिया पैसिफिक रीजन रसायनों की वैश्विक बिक्री के 2/3 से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार होगा। क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स सालाना 25% की दर से बढ़ रहा है। अनुमानों के अनुसार यह वृद्धि एशिया में सबसे अधिक होगी। 2030 तक वैश्विक बिक्री का लगभग 50% हिस्सा चीन के जिम्मे होगा।